नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय यूपी दौरे पर आज अयोध्या पहुंचे। साथ ही महामहिम ने वहां पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग में आयोजन जन जन के राम रामायण कंक्लेव का शुभ आरंभ किया। सीएम योगी अयोध्या रामायण कंक्लेव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में ही थे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने का लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुकंपा और उनकी कोशिशों से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। तो रामायण कंक्लेव का उद्घाटन किया गया रामनाथ कोविंद द्वारा और सीएम योगी भी यहां पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम योगी पर निशाना साध दिया है। सीएम योगी ने निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुकदमा मुख्यमंत्री हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी को घोटाला प्रदेश बना दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद में अंतर है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आप पार्टी पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद लूट, हत्या, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना घोटाला है और आप पार्टी का राष्ट्रवाद रोजगार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, बिजली मुफ्त, कानून व्यवस्था, बेहतर शिक्षा करना है। तो आगरा में मनीष सिसोदिया योगी आदित्यनाथ पे बरसते हुए नजर आए हैं। यूपी को घोटाला प्रदेश बना रही है बीजेपी सरकार, ये कहते हुए नजर आए हैं। तो आगरा की तस्वीरें जहां पर मनीष सिसोदिया योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है, तब से ही भ्रष्टाचार, महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में आती है तो वो बिजली मुक्त करेगी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देंगी, बेहतर शिक्षा देगी, इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। तो मुकदमा मुख्यमंत्री उन्होंने बताया है योगी आदित्यनाथ को। आप बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव भी हद नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरी तरह से सक्रिय उत्तर प्रदेश में कर रही है। हालांकि यह सिलसिला बहुत साल पहले ही आम आदमी पार्टी ने कर दिया था, लेकिन अब काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीतापुर के महमूदाबाद में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पटेल किसान यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही बताया कि महमूदाबाद बिस्वा में किसान पटेल यात्रा होगी, तो वहीं नरेश उत्तम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार में बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो महमूदाबाद पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, सपा कार्यकर्ताओं ने जहां उनका जोरदार स्वागत किया है, इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि अगर सपा सत्ता में आती है तो बेटियां और महिलाएं पूरी तरह से महफूज प्रदेश में अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार इन कोशिशों पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां महमूदाबाद पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। आप बता दें कि सपा पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में है 2022 विधानसभा चुनाव की। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत जो विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी ही है। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका लगातार समाजवादी पार्टी निभाती आई है। ऐसे में 2022 के लिए सपा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आज यहाँ बच्चियों का, महिलाओं का इज्जत सुरक्षित नहीं है, हत्या, डकैती, लूट, राजनीति, छिनैती लगातार बढ़ रहे, पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध है। इस बात का आंकड़ा प्रदेश की विधानसभा में माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने उठाया, नरेंद्र वर्मा जी जिनके हम बैठे हैं लोगों ने उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन बातों को मुकर जाती है, सदन नहीं चला रही। कहा था 90 दिन चलाएंगे रोज सदन, हर साल चलाएंगे 90 दिन, पांचवा साल है, 90 दिन पांचों साल मिला के नहीं हो रहा। हम जनता की बात सदन में रखना चाहते हैं, सदन की बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 मिनट में 95 विभागों का बजट पास कर देती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।
मुजफ्फरनगर के रतनपुरी गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे। साथ ही उन्होंने आगामी 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में लोगों से ज्यादा पहुंचने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जनता से कहा है कि सरकार तमाम मोर्चे पर विफल है और इस बार सरकार के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, न कि सरकार का। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत में किसानों को पहुंचने की अपील यहां पर नरेश टिकैत करते हुए नजर आए हैं। तो इससे पहले तमाम बैठकें किसानों की हो रही है। आपको बता दें कि एक महापंचायत किसानों द्वारा की जाएगी और ऐसे में लगातार ये तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से सरकार को घेरना है। हालांकि यहां ये भी कहा गया है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उसके हम खिलाफ हैं और लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आप बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान जो हैं वो 3 कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी आंदोलन लगातार चलता आ रहा है। मुजफ्फरनगर के अंदर आगामी 5 तारीख को एक ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है, जिसका नेतृत्व तो खुद भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत करेंगे। इस महापंचायत में कई स्टेटों से लोग आने वाले हैं और वहीं इस महापंचायत में क्या रणनीति तैयार होगी और किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, तमाम ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। बात करते हैं उनसे। सर, महापंचायत होने के लिए जा रही है, ऐतिहासिक महापंचायत है, कितने लोग जुटने की आशंका और किस तरह के निर्णय इसमें ले जाएंगे? नहीं, इसमें तो ना कोई आदमी आऊंगा और कई स्टेटों से किसान इसमें आ रहे। वैसे किसान यूनियन के लिए संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, किसान संयुक्त मोर्चा, उन्होंने यह जगह मुजफ्फरनगर की जो ऐतिहासिक जमीन है इस पर पंचायत रखी। तो उन्होंने कहा कि भाई जोन से जिले तक किसान यूनियन का उदय हुआ उस जिले में एक हम पंचायत रखने चाह रहे, तो उनके आह्वान पर यह पंचायत रखी। और यहाँ के तो किसानों की या मुजफ्फरनगर वासियों की तो यही हुआ है भाई इंतजाम देखे। तो किस तरह की जो रणनीति तैयार होगी, किस तरह के जो डिसीजन है वो ले जाएंगे महापंचायत के माध्यम से? कुछ ना कुछ बड़ा ही फैसला लिया जाएगा, इसमें तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता क्या लिया जाएगा, पर कुछ ना कुछ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा इसमें। और हमारी तो जिम्मेदारी है जो बाहर के अतिथि आवे उनका आदर सत्कार करे, कोई भूखा ना जा, सुरक्षा व्यवस्था रहे, उनका सम्मान रहे, इज्जत रहे, बस यही। 2013 के दंगों का आपने जिक्र किया है, 2013 के बाद ही बीजेपी सत्ता में आई थी और इसी मुजफ्फरनगर में वो दंगे हुए थे, तो क्या लगता है इसी मुजफ्फरनगर के महापंचायत के माध्यम से इस बार सत्ता परिवर्तन का काम होगा, क्या लगता है? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो होगा, जो इन्होंने बेईमानना तो कर लिया वो तो बात दूसरी, नहीं सत्ता परिवर्तन तो होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब जनता इतनी खिलाफ हो जाए, इतनी वो हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो करा जा। हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, मतलब कुछ किसान घायल भी हुए हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? नहीं, हम तो उसकी निंदा ही करें इस तरह का, किसानों के साथ में इस तरह का जो बर्बरता का वो करा इन्होंने, और फिर सरकार फिर झुक गई वहाँ से, किसानों ने भी एकदम पूरा हरियाणा बंद कर दिया, पूरे नेशनल हाईवे सब बंद कर दिए, तो उन्होंने फिर भी जो किसान पकड़ रखे थे वे छोड़ दे, इस तरह के नहीं करने चाहते। वहाँ जिन्होंने भी वो आदेश दिया, डीएम था, एसडीएम था, किसने वो करा, तो ऐसे नहीं करने चाहते। वहीं बाराबंकी जिले में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान के तहत तो महिला थाना प्रभारियों की ओर से जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को चुप्पी तोड़ते हुए अपराध के खिलाफ बोलने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ा गांव में महिला थाना प्रभारी शिखा सिंह ने स्टाफ के साथ मिशन शक्ति अभियान चलाया, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बाराबंकी से, जहाँ पर महिला थाना प्रभारियों ने मिशन शक्ति अभियान चलाया है। दरअसल ये तीसरा चरण है मिशन शक्ति अभियान का, तो ऐसे में सभी जो थाना प्रभारी महिलाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करती हुई नजर आ रही हैं।
बाराबंकी से खबर सामने आई है। दरअसल जिले में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत इस अभियान के तहत महिला थाना प्रभारियों की ओर से जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को चुप्पी तोड़ते हुए अपराध के खिलाफ बोलने आवाज उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में बड़ा गांव में महिला थाना प्रभारी शिखा सिंह ने स्टाफ के साथ मिशन शक्ति अभियान चलाया, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जागरूक लगातार किया जा रहा है। तो महिला थाना प्रभारियों ने मिशन शक्ति अभियान चलाया, छात्राओं महिलाओं बच्चियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि उन्हें अपने ऊपर हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठानी है, चुप्पी तोड़नी है। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। दरअसल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ऐसे में मिशन शक्ति अभियान का ये तीसरा चरण है, जिसमें बाराबंकी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो महिला थाना प्रभारी हैं वो कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही हैं, और इसी कार्यक्रम के तहत तमाम महिलाएं, तमाम छात्राएं और बच्चियां इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। इसके अलावा इन्हें जागरूक किया जा रहा है, इनके खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, इनके साथ अगर घर में या बाहर कहीं भी ऐसी हिंसक घटनाएं होती हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने, चुप्पी तोड़ने के लिए इन्हें लगातार जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है वो किस तरह से अपने ऊपर हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। फतेहपुर में हदगांव थाने में शाहीपुर गांव में नलकूप में संदिग्ध हालतों में युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फतेहपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फतेहपुर का एक पूरा मामला, आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला फतेहपुर से सामने आया है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगकर मौत हुई, जिसके बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है। साथ ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बरेली में चल रहा धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री का कारोबार, एक सैयद निजाम का शख्स तांत्रिक के भेष में हिंदुओं के घरों में जाता और एंट्री कराता था और लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था, और साथ ही महिलाओं और लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पता चला कि आरोपी एक दर्जन से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी को बदायूं जिले के कादर चौक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बरेली से एक खबर सामने आई है, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि इसके साथ कौन कौन और जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह है, ये जो शख्स है वो लोगों के घरों में दाखिल होता था, इसके बाद कई महिलाओं से, कई लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता और उनका धर्मांतरण कराता था। दरअसल बरेली में ये धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री सा साबित हो रहा है। सैयद निजाम नाम का जो शख्स है वो तांत्रिक के भेष में हिंदुओं के घरों में जाता था और एंट्री करता था, लाखों की ठगी की घटना को अंजाम भी देता था। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब ये शख्स महिलाओं और लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पता चला कि आरोपी ने एक दर्जन से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी को बदायूं जिले के कादर चौक थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। तो बरेली का एक पूरा मामला है, जहां पर धर्म परिवर्तन की एक खबर सामने आई है, जहां पर तांत्रिक बनकर, साधु बनकर जो शख्स है वो हिंदुओं के घरों में एंट्री किया करता था, लाखों की ठगी को अंजाम देता था, साथ ही साथ महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनका धर्मांतरण भी करवाया करता था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पवन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, लगातार बरेली में धर्मांतरण की जो खबरें हैं वो आग की तरह फैलती हुई नजर आ रही हैं। ये जो खबर है इसमें क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह से पूरा मामला सामने आया है? आपको बताना चाहूंगा, ये सैयद निजाम नाम का एक तांत्रिक था जो कि महिलाओं को इलाज करने के नाम पर या उनको पूरी बात निजात दिलाने के नाम पर ये अपने आप को हिंदू युवक बताकर उनका इलाज करता था। लेकिन इलाज के दौरान कुछ ऐसी समस्याएं जब सामने आई, इसने करीब 10 से 15 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म भी किया। जी बिल्कुल पवन, ये जो धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आ रही है, ये जो पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है? ये सैयद निजाम नाम के तांत्रिक को बदायूं में कादर चौक के थाने में इसके नाम की एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और जब इससे पूछताछ की गई तब इसने कबूलनामे में अपने कबूल किया कि हाँ, मैंने 10 से 15 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया है और उनके असली फोटो वगैरह। बिल्कुल पवन, जो लोग हैं जो पीड़ित हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उन्हें पता चला कि महिलाओं का या बच्चियों का ये जो तांत्रिक है वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है और ये जो तांत्रिक है वो ठगी भी क्या करता था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है? ये तांत्रिक जो था वो इलाज के नाम पर उनके घरों पर जाता था, इलाज पूजा पाठ के नाम पे उनसे पैसे लिया करता था और पैसे लेने के बाद उन्हें कुछ नशीली चीजें देकर उनको बेहोश कर दिया करता था। बेहोश करने के बाद अक्सर महिलाओं का ये कहना था कि वो अस्वस्थ अवस्था में आप जाती थी। उसके बाद में इन्हें जब इस पर शक हुआ तब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, इससे जब बातचीत की तब इसने उनको फोटो दिखाकर उनके असली वीडियो दिखाकर। बिल्कुल पवन, ये क्या अकेला है शख्स या इसका पूरा कोई गैंग है, ऐसी कोई जानकारी? इसके पीछे कई लोगों के जुड़े होने का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो पुलिस की गिरफ्त में आया है ये सैयद निजाम भी आया है और इसने अपने कुछ साथियों के नाम भी कबूल किए हैं, लेकिन अभी पुलिस गिरफ्त में उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। पुलिस गंभीरता से लेकर इस मामले की पूरी जांच कर रही है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बरेली का एक पूरा मामला है जहां पर धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि एक शख्स जिसका नाम सैयद है वो तांत्रिक बनकर घरों में जाता था और इलाज करने के नाम पर महिलाओं बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर उसके वीडियो बना लेता था जिसके जरिए वो लोगों को ब्लैकमेल किया करता था, उनसे वसूली किया करता था। पुलिस को इसकी सूचना मिली है, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन इसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसी तमाम छानबीन लगातार की जा रही है। मेरठ में इंचौली थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कस्बा निवासी रोहित सैनी के नाम से की है जिसकी उम्र करीब 35 साल है। साथ ही पुलिस ने बताया कि मृतक ट्यूबवेल पर बैठकर दारू पीने के बाद नीचे गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मेरठ का एक पूरा मामला है जहां पर युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि ट्यूबवेल पे बैठकर जो युवक है, जो मृतक है, वो शराब पिया करता था। ऐसे में शराब पीकर नशे में धुत था और ट्यूबवेल में डूबने से उसकी मौत हो गई। सहारनपुर में चिलकाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने घेराबंदी करके चोर गिरोह को धर दबोचा है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी और लूटी गई 8 बाइक बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। तो सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और यहां पर चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। सहारनपुर का एक पूरा मामला जहां पर एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने घेराबंदी करके तमाम जो चोर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो सहारनपुर में चिलकाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने घेराबंदी करके चोर गिरोह को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई लूटी की गई 8 बाइक बरामद करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार भी इनके पास से बरामद किए हैं। तिलकाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का को पकड़ा है, जिसमें से 3 अभियुक्त इन्होंने अभी गिरफ्तार किया है और इसमें से 2 चिलकाना क्षेत्र के और 1 बेहट क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से कुल चोरी की 8 मोटरसाइकिलें, तमंचा आदि बरामद हुए हैं।
इनके पास से एक 2012 में कोतवाले देहात की मोटरसाइकिल लूट हुई थी, वो भी बरामद हुई है, बहुत दिन बाद बरामद हुई है। उसमें अभियुक्त पकड़े गए थे लेकिन मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई थी। अन्य चोरी की बेहट और सिटी क्षेत्र के चोरी की मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो रही हैं और मोटरसाइकिलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ पे बदमाशों ने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर और सहारनपुर के आसपास के जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत आदि जिलों में भी मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं की गई हैं। मेरठ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मेरठ की रेलवे रोड पुलिस ने देर रात शास्त्री नगर सेक्टर 13 में छापेमारी करते हुए एक मकान से ड्रग माफिया तस्लीम को उसके परिवार वालों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी बाकी लोगों की जानकारी बाद में देने की बात कही है, लेकिन तस्लीम को गिरफ्तारी की जानकारी एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। तो मेरठ की यह खबर सामने आई है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, नशीले पदार्थ का तस्कर गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एसपी सिटी हैं उन्होंने दी। तो मेरठ से यह खबर सामने आई है जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मेरठ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि मेरठ की रेलवे रोड पुलिस ने देर रात शास्त्री नगर से सेक्टर 13 में छापेमारी करते हुए एक मकान से ड्रग माफिया तस्लीम को उसके परिवार वालों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी बाकी लोगों की जानकारी बाद में देने की बात कही है, लेकिन तस्लीम को गिरफ्तारी की जानकारी एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। देखिए, आपको जानकारी है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। थाना रेलवे रोड में अभी एक काफी महत्वपूर्ण कुर्की हुई थी एक अपराधी की, काफी लंबे समय से बातचीत चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने इस पर इतना दबाव बनाया है कि उसको जो है हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं, और इससे जो है मुझे विश्वास है कि जो स्नैक का कारोबार है उस पर रोक लगेगी। कितने गिरफ्तार हुआ? देखिए, मुख्य इससे जो है तो आरोपी तो यही है, हमारा जो तस्लीम नाम का व्यक्ति है जो गिरफ्तार हुआ है। बाकी के बारे में मैं आपको डिटेल्स लगते उपलब्ध कराऊंगा। संभल के गुन्नौर कोतवाली इलाके में नल पर नहाते समय युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है, साथ ही परिजनों ने कार्रवाई किए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। तो संभल से खबर सामने आई है जहां पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। पुलिस कार्रवाई के बिना ही उसका अंतिम संस्कार किया गया है। ये पूरा मामला गुन्नौर का बताया जा रहा है। संभल में कोतवाली गुन्नौर में यह हादसा हुआ, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। तो करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नहा रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई परिवार द्वारा, और पुलिस ने बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं संभल में रविवार सुबह पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके अलावा दो बदमाश भागने में सफल हो गए। पुलिस के अनुसार बीते कुछ समय से ये बदमाश जनपद में लूट और लगातार हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आसपास क्षेत्र में सक्रिय थे। वहीं मुठभेड़ में फरार अन्य दो बदमाशों की तलाश की जा रही है, साथ ही पुलिस बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। तो संभल से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं एक पुलिसकर्मी के भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल का एक पूरा मामला बता दें कि जो अपराधी हैं वो दुर्दांत अपराधी थे, कई मामलों में वांटेड चल रहे थे और आखिरकार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। तो संभल में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरी तरफ एक पुलिसकर्मी के पैर में भी गोली लगी है। थाना असमौली के अंतर्गत ये गांव शाहपुर सोत के पास में आज ये सूचना मिली थी पुलिस को कि यहां पर पिछले समय से काफी सारी नकबजनी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। तो ये गिरोह जा रहा है, इसकी चेकिंग की कोशिश की गई, इनको रोकने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से एक बदमाश जिसका नाम नाजिम है, इसके पैर में गोली लगी है। हमारा एक सिपाही भी इनकी फायरिंग में घायल हुआ है।
इन दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से इनके साथ में 3 लोग और थे जो यहाँ से फरार हुए, जिनमें से एक आदमी जुबैर अभी थोड़ी देर पहले कॉम्बिंग में थाना हजरत नगर गढ़ी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से भी एक अवैध असला मिला है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, इनको चेक किया जा रहा है कि ये चोरी की हैं अथवा किस तरह की हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।